नमस्कार, राष्ट्र इंडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में उपलब्ध, सबके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर और इस कोरोना काल में भारत ने कितनी उपलब्धियां कमाई हैं और ये उपलब्धियां किस हद तक आगे हम लोगों ले जा सकते हैं तथा आने वाली और भी हम लोग क्या क्या उपलब्धियाँ कमा सकते हैं और कुछ हम लोग वैश्विक परिदृश्य पे भी बात कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं वैश्विक परिदृश्य कोरोना के कारण उपजे जो हालात हैं उसके ऊपर। क्या हुआ कि सब लोगों ने जाना होगा कि जब ये कोरोना का सब समय चालू हुआ तो अप्रैल मई जून तो लॉकडाउन में गुजरा, 2020 का बात कर रहा हूँ, और उसके बाद पूरे विश्व की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो और जर्मनी हो, फ्रांस का तो खैर बहुत कम चाइना में इन्वेस्टमेंट्स और उनके प्रोडक्शन होते हैं, बट जर्मनी है, इनमें इन लोगों की तरफ से एक स्टेटमेंट सब लोगों की तरफ से आया कि ये लोग चाइना से मूव आउट करेंगे। और चाइना से मूव आउट करने के लिए का कारण ये दिया गया कि चाइना में कोरोना और तमाम जो उनके जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं अब वो उनके लायक नहीं रहे और अब उनको वहाँ से मूव करके नए जगह तलाशने हैं जहाँ पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपनी फैक्ट्रीज खोल सकें। इस कड़ी में अगर आप लोगों को याद हो तो जर्मनी की एक कंपनी थी फोन वॉल्क्स, जो फुटवेयर की कंपनी है, जो जूते बनाती है, जूते चप्पल बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है यूरोप की। नवंबर 2020 में उसने चाइना में अपना टोटल प्रोडक्शन बंद करके पूरा प्रोडक्शन जो है उसने भारत शिफ्ट कर दिया, और भी भारत उत्तर प्रदेश में आगरा में इस कंपनी ने अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन चालू किया और आज वो भारत में प्रोडक्शन कर रही है और पूरे विश्व में फुल वर्ल्ड के जो फुटवियर्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं आगरा से। इसी कड़ी में बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज और कंपनी ने जब इस तरह के स्टेप उठाने चालू किए तो हमारे एक मित्र हैं जापान में, संतोष कुमार सिंह, बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे, तो 2019 या कुछ में वो जापान में कई स्टोर्स पे गए, वहाँ पे एक डाइसो कंपनी का एक 100 येन शॉप है जो 100 येन में सस्ते में बहुत सारा सामान जहाँ पे बिकता है, तो वहाँ पे लगभग सारे के सारे प्रोडक्ट जो है उन लोगों को मेड इन चाइना होते थे। मतलब डाइसो जो बहुत बड़ी कंपनी है जापान की, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका सारा प्रोडक्शन बेस था चाइना में, सारा चाइना का प्रोडक्ट लाता, वो बहुत सारे सैंपल्स इंडिया लेकर के भी आए थे, हम लोगों ने भी खुद देखा, उसे मेड इन चाइना लिखा था, हालांकि वो कंपनी जापानीज थी और डिज़ाइन सारा प्रोडक्ट जापान में था। अभी पिछले महीने वो जापान में फिर से उसी स्टोर्स पे गए थे और काफ़ी उन्होंने स्टोर्स को एक्सप्लोर किया और उस स्टोर को एक्सप्लोर करने के बाद में पता लगा कि डाइसो के सारे प्रोडक्ट अब मेड इन वियतनाम हो गए हैं। मतलब कि चाइना से जापान की डाइसो ने सारा का सारा उत्पाद जो है अपना प्रोडक्शन हटा लिया है और वो हट करके वो आ चुके हैं वियतनाम में। इसी तरह से कुछ कंपनीज ऑटोमोबाइल्स थी जो चाइना से हट करके, जैसे जनरल मोटर की, उन्होंने वो अपने सारे चीज़ें हटा करके वो मैक्सिको चले गए हैं। और इधर एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि इधर उत्तर प्रदेश में हुई है कि अभी 3 दिन पहले जापान का साउथ कोरिया से का जो डेलीगेट उत्तर प्रदेश आया था और वो लखनऊ भी आए थे और उन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी की थी और उस मुलाकात में सारी इन्फॉर्मेशन आई कि सैमसंग जो है वो उसने अपना डिस्प्ले यूनिट पूरा का पूरा चाइना से बंद कर दिया और अब वो उत्तर प्रदेश को नोएडा में वो अपना पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरोना का जो उपजे हालत थे उसने पूरे विश्व को इफ़ेक्ट किया है, ना सिर्फ पूरे विश्व के इकोनॉमी को डाउन किया बल्कि बहुत सारे नए इकोनॉमिक सेंटर्स तैयार हुए, बहुत सारे नए बिजनेस क्लस्टर्स तैयार हुए, बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरिंग हब्स तैयार हुए और आने वाले समय में ये होते हुए हम लोग देखेंगे। अब जब हम ये लोग आने वाले समय में होते देखेंगे कि चाइना से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हट रही हैं तो वो कहाँ जाएँ, उनको जाने के लिए बहुत सारे उन चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे उनको अच्छा बिजली, पानी, मैन पावर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी चाहिए होती हैं। तो उस चीज़ों को देखते हुए वो अपना जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन चुनते हैं। हम लोगों को अब यही अवसर है कि इन सभी कंपनीज़ को भारत में आए और भारत में वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करें, जिससे हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और अन्य
जो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स मतलब मैनेजमेंट के जितने भी लोग इस विद्यार्थी, इनको अब अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे रोजगार मिल सके। तो क्या हुआ कि अभी ये तो कुछ उपलब्धियाँ हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत, हो सकता है कि और भी बहुत सारी कंपनी है जिसके साथ में डिस्कशन भारत सरकार कर रही हो, कुछ कंपनीज के साथ कर रही हैं जिनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो चीन से निकल करके भारत की तरफ आने वाली हैं, वो हाईटेक कंपनीज़ हैं। अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उन कंपनीज़ का नाम लेके बोलना मेरे लिए भी प्री मेच्योर होगा। तो ये समझिए कि बहुत सारी कंपनी जो है वो चीन से हट करके कई सारे देशों में जाएंगी, और वो जब कई देशों में जाएंगी उसमें हम भारत अपना पक्ष कितना मजबूती से इस कंपनीज़ के ऊपर में रख सकेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे यहाँ पे कितने से कितनी कंपनी आए और हमारे यहाँ पे उसका एक भारत जो है एक विश्व का एक प्रोडक्शन हब बने और भारत से मटेरियल्स एक्सपोर्ट हों दुनिया भर में। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है पहला जो कि कोरोना ने दिया है, और इस कोरोना के बाद जो है पूरे सारा परिदृश्य बदला है, जिसमें हम भारत को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यहाँ पे शुरुआत करनी है। दूसरा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस कोरोना के पीरियड में भारत सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बदली, और वो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मेड इन इंडिया फ्रेंडली हुआ। आप भारत में अगर बनाते हैं, भारत में आपका प्रोडक्शन है, भारत की कंपनी है, तो आपके लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भारत सरकार की ऐसी पॉलिसी है जो कि आपको एक एंटरप्रीनियर बनने में, एक एमएसएमई खोलने में और एक प्रोड्यूसर बनने में बहुत मदद करता है। तो क्या हुआ, क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसपास हमारे हैं जो कि चीन में बनती थी, बनती हैं, अभी भी बनती है, विश्व का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस अभी भी है, परंतु इन सब चीज़ों को यहाँ पे उत्पाद करने के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें भारत सरकार मदद कर रही है। अब इसमें मदद कैसे हो सकती है? मदद ये हो सकती है कि ऐसे पॉलिसीज़ लाए लाए जाए जिससे कि नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार हों, ऐसी चीज़ें लाई जाए जिससे मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट जो है उसका गवर्नमेंट परचेज से लेकर के आम परचेज में भी मेड इंडिया का प्रचलन बढ़ जाए, और किस तरह की इकोनॉमिक और अन्य सुविधाएं भारत सरकार जो है वो आप एक एंटरप्रेन्योर को प्रदान कर सकती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक बार डिस्कशन करते हैं कुछ परचेज पॉलिसीज़ हैं इस गवर्नमेंट की। जब आप आजकल देखेंगे तो गवर्नमेंट की परचेज पॉलिसीज़ में आ रही है एक डिक्लेरेशन देना होता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकला, कोई पर्टिकुलर मशीन है, मान लीजिए कि एक कोई लैब इंस्ट्रूमेंट है या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है या मान लीजिए कोई व्हीकल ही है या कुछ भी है, वो भारत सरकार को परचेज करना है, चाहे वो भारत सरकार या राज्य सरकार, क्योंकि भारत सरकार जो इकोनॉमिक पॉलिसी ला रही है वो पूरे पूरे के पूरे जो ये जो पॉलिसी डिसीजन है ये पूरे राज्य सरकारों भी को भी पे मान्य है, उनको भी मानना है। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ खरीदना है, तो अब उसमें एक डिक्लेरेशन आता है कि जो प्रोडक्ट कोई भी प्रोड्यूसर या ट्रेडर या वेंडर जो भारत सरकार के इस विभाग को ऑफर कर रहा है उसमें डिक्लेरेशन देना है होता है कि इसमें से ये जो उत्पाद है इसका ओरिजिन भारत के आसपास के जो देश हैं जिनकी लैंड बाउंड्री भारत के साथ लगती हैं ये वहाँ का प्रोडक्ट नहीं है। मतलब कि जो भारत के आसपास के देश हैं जिनके साथ में हमारी लैंड बाउंड्री है, आप खुद एक विश्व का नक्शा उठा करके देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं जिनके साथ में हमारे भारत की लैंड बाउंड्री लगती है, तो उसमें डिक्लेरेशन देना है जिससे कि उस विभाग को पता रहे कि ये प्रोडक्ट किस पर्टिकुलर भारत से लगती हुई सीमा के देश के साथ में है, क्योंकि भारत एक WTO का मेंबर है, गैट एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, तो हम लोग जो है जाहिर सी बात है सीधे नहीं बोल सकते कि हमको इस फला देश का सामान नहीं लेना है, ये नहीं करना है, परंतु ऐसी पॉलिसी तो ला सकते हैं जिससे बायर को ये पता रहे कि वो किस देश का सामान खरीद रहा है। तो एक ये पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी में अब ये नेक्स्ट फर्दर अमेंडमेंट एडिशन है कि कौन सी ऐसा, अगर आप मान लीजिए कि कोई सामान वो ऑफर कर रहे हैं और वो ऐसे देश से है, ऐसा उसका ओरिजिन है जो जिसका जिसके साथ भारत लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो अगर वो शेयर करता है तो आपको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आपको वो डिक्लेरेशन करने पड़ेंगे, कुछ विभाग हैं जो उसको बिल्कुल देख ही रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस देश में बन रहा है, और उस जगह से इसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल लेकर के ही फिर उसके बाद आप उसमें वो ऑफर कर सकते हैं। तो आप एक ये प्रोटेक्शन हो गया आपके इंडस्ट्री का। दूसरा, भारत सरकार जो परचेज कर रही है उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है कि किस टाइप के आप सामान
सप्लायर है, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, माने कि अगर आपका उत्पाद 20% से नीचे मेड इन इंडिया है, मतलब मैक्सिमम आप बाहर से इंपोर्ट करके सेल करें, तो आप क्लास थ्री वेंडर हो गए। अगर आप 50-50 में है तो आप क्लास टू वेंडर हो गए। 70% या अबव अगर आपका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो आप एक क्लास वन वेंडर हैं, और जो क्लास वन वेंडर रहेगा उसको भारत सरकार का वो विभाग प्रेफरेंस देगा। प्रेफरेंस देगा तो प्रेफरेंस देने के साथ में उन्होंने कुछ कंडीशंस भी लगाई हुई हैं कि आपको वो उत्पाद का पेमेंट तभी मिलेगा जब वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेड है, मांगे गए क्वालिटी कंट्रोल, मांगे गए स्पेसिफिकेशंस को मीट आउट करता है, तभी आपको आगे वो बात की जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको प्रेफरेंस अगर दी जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जो है सप्लाई कर दें और आप मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के नाम पे आप कुछ भी करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बायर एंड सेलर दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है वो आगे बढ़े, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार के विभागों से लेकर के अन्य विभागों में हो, उसके लिए ऐसी एक बहुत अच्छी परचेज पॉलिसी जो है वो भारत सरकार ने लाई है जिसका उपयोग किया जा सकता है। एक नेक्स्ट है स्टार्टअप, मतलब कि जब मान लीजिए कि कोई एक, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ कोरोना से रिलेटेड, मान लीजिए कोई इक्विपमेंट, टेस्टिंग इक्विपमेंट या कुछ खरीद रही है और उसका वैल्यू है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, तो उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू पे उनको कुछ टेंडर फीस देनी पड़ती है, वेंडर को कुछ EMD देनी पड़ती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो ये सब जब अगर आप कर रहे हैं तो एक वेंडर जो कि नया है उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी ये स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स के लिए और जो NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के लिए और जो MSME एंटरप्राइजेज हैं और वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, उनके सर्टिफिकेशंस उपलब्ध हैं, तो उन लोगों के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वेवर दिया गया है। बदले में जब ऑर्डर मिल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट सही चले, आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस दे, आपका प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी हो, ऑर्डर आने के बाद आपको 5% से 10% अलग अलग विभाग हैं जो आपसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांगेंगे, बॉन्ड मांगेंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना चले तो आपको ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उतने समय पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो वारंटी पीरियड खत्म होगा आपको लौटा दिया जाएगा। तो एक तरह से जो नया है तो इसका क्या अपॉर्चुनिटी, मान लीजिएगा एक नया कंपनी आप चालू कर रहे हैं, आपके पास प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का फंड्स है लेकिन आपको 10 टेंडर भरने के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वगैरह के फंड्स आपको ब्लॉक हो जाएगा, उसके लिए आप अपना स्टार्टअप में, स्टार्टअप इंडिया में आप आ सकते हैं और एक स्टार्टअप के लिए भी ये भारत सरकार ने सुविधाएं दी हुई हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, भारत में रोजगार के भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। हाँ, अगर रोजगार का मतलब अगर आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं तो शायद आपको निराशा होगी, क्योंकि भारत सरकार भारत में या किसी भी विश्व के लिए अपनी पूरी पॉपुलेशन को या एक सेट मिनिमम पॉपुलेशन वैल्यू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बाकी लोग जो बचते हैं उनके लिए भारत सरकार क्या करती है कि वो उसको स्टार्टअप फंड देगी, उनको एक बाइंग में प्रेफरेंस देगी, उनको उनको तमाम तरह के, भारत सरकार जो है वो कई ऐसे क्लस्टर्स तैयार कर रही है कि यहाँ पे स्टार्टअप जो हैं वो अपना प्रोडक्शन करवा सकें। कई ऐसे भी उन्होंने दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, किसी IIT से या किसी अन्य के साथ में मिल करके, पहले कुछ समय पहले तक ये था कि अगर आप उसी इंस्टीट्यूट के लोग हैं तो आप अपना एक स्टार्टअप लगा सकते हैं या एक अपनी R&D वहाँ चालू कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपने नियरेस्ट किसी IIT में या किसी ऐसी अन्य संस्था जो इंक्यूबेशन कर रही हो, CSIR हो, वहाँ पे जा सकते हैं, उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं और आप उनके साथ में मिल करके एक अपनी एक स्टार्टअप लगा सकते हैं। और अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहा, आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन सही रहा और उस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एक वैल्यू एडिशन देता है भारत में, तो उसके लिए भारत सरकार तमाम तरह के सीड फंड और फाइनेंसेस भी उपलब्ध करा रही है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप एक सरकारी नौकरी के पीछे जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, आप इसके ऊपर में आपके लिए आपको ये फालतू लगेगा। लेकिन अगर आप एक चाह रहे हैं कि आप एक इंटरप्राइज खड़ी करें और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और आप के, क्योंकि हर आदमी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसको जॉब भी चाहिए, तो आप 4 या 5 या 10 आने वाले समय में यू नेवर नो कि एक छोटा सा स्टार्टअप जो है कई बार बहुत बड़ी
हो जाता है। मैं कई ऐसे स्टार्टअप्स भी जानता हूँ जो 5 साल 6 साल पहले सरकार के दिए हुए फंड से स्टार्ट हुए थे, आप 200-300 करोड़ के एंटरप्राइज बन चुके हैं। तो आप इन चीज़ों को जो है आप ध्यान दीजिए, और इसके बाद जो है अब इन स्टार्टअप फंड्स को जो है शुरू कर, इन स्टार्टअप्स को जो है आप फंड और स्टार्टअप फंड से ले को और इन योजनाओं का लाभ उठाइए और अपना एक एक एंटरप्राइज तैयार कर सकते हैं, जिस जो कि न सिर्फ आपको आगे बढ़ाएगा परंतु पूरे आप लोगों को रोजगार भी दे सकेंगे। तो आप कुल मिलाकर के हम लोग अगर बड़े परिदृश्य पे देखें तो बाहर से जो समा प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो मतलब जो दूसरे देश फॉर एग्जांपल चाइना से जो बहुत सारे प्रोडक्शन हो रही है, वो भी भारत में शिफ्ट होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे बहुत लोगों को रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लस अगर आप अपना भी एंटरप्रेन्योरशिप करके अपना भी कोई एंटरप्राइज तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है हम लोग अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं, और उसको लेकर के जो है आप एक कैलकुलेटेड तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर बहुत सारी आगे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं। और थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग डिस्कशन करें तो हमारी जो जो यूथ है, उस वो आज का यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को महत्व दे रहा है, वो डायनेमिक है, वो काम करने के लिए अपने अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहा है। ऐसे में मुझे लगता है ये स्टार्टअप और ये इंक्यूबेशंस, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का लेते हैं तो आपको वहाँ पे एक हेल्प मिल जाती है, मैन पावर मिल जाते हैं, और आपको तमाम R&D हेल्प भी मिलेगा, प्लस वर्कशॉप हेल्प मिल जाएगा। तो एक शुरुआत जो है एक किसी प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में लाने के लिए वो एक अच्छा किया जा सकता है। तो मेरा यही रहेगा कि सब लोग आगे आएँ, सरकार की योजनाओं को पढ़ें। जब तक आप योजनाओं को स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर में बहुत सारे आयाम नज़र आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगी, जिसके भरोसे पे आप बहुत सारा आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले किसी फिर वीडियो में हम जरूर उपस्थित होंगे और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप राष्ट्र इंडिया चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और आने वाले समय में हम लोग आपको न सिर्फ रोज़गार हो सकता है, नए एजुकेशन पे हो सकता है, टेक्नोलॉजीज पे या वैश्विक परिदृश्य पे आप उपलब्ध हो, तमाम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।